हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल सलवार बनाना बताऊंगी कि सिंपल सलवार की कैसे सिलाई की जाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कटिंग पहले ही कर ली है और इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है कि सिंपल सलवार की कटिंग कैसे की जाती है। अगर आप देखना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं आपको सिलाई करना बताती हूँ। तो यहाँ पे पहले ही इसकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कलियाँ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें का एक पार्ट लेना है। इसमें दो हैं तो एक हमें लेना है और इसको हमें ऐसे रखना है, सीधा रखना है। सीधे तरफ जो कपड़ा है आपको ऐसे रखना है और फिर हम दो कलियाँ लेंगे। ये दो कलियाँ लेनी है हमें। तो इसको ही हम ऐसे रखेंगे और एक कली हम ऐसे रखेंगे। तो हमें ऐसे इसकी सिलाई लगानी है। ये आसन है तो इसको ही सीधा रखेंगे। पहले ऐसे एक कली रखनी है ऐसे, और ये दूसरी कली हमें ऐसे रखनी है। ये दोनों कलियां हमें ऐसे रखनी है इस पार्ट्स के आसपास। एक इधर रखनी है, एक उधर रखनी है। अब हमें क्या करना है, ये सीधे तरफ है, ये कपड़ा सीधे तरफ है, और अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे इस पार्ट्स पे ऐसे। ये कपड़ा हमारा सीधा है और एक कली हमारी उल्टी हो गई। तो यहाँ पे अब हम एक कलियाँ जोड़ेंगे। तो ये कली जो है इसको बराबर से रखना है और फिर हमें इस पे आधा आधा इंच की सिलाई लगानी है। ऐसे हमें आधा आधा इंच की सिलाई लगा के इसे जोड़ लेना है इस कली को। यहाँ पे एक कली मैंने जोड़ ली है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे ऐसे सीधा करके रखना है। और अब हम दूसरी कली लेंगे। तो दूसरी ये सीधे है, ये सीधे तरफ कपड़ा है, और इसको हम इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखेंगे कली को। एक कली इस तरफ जोड़नी है इसके, ऐसे जोड़ ली है। अब इसको हम इस तरफ जोड़ेंगे। तो ऐसे आपको बराबर से रखना है इसको यहाँ पे, और फिर आपको आधा आधा इंच की इसमें सिलाई लगानी है। इस पे आधा आधा इंच की हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस पार्ट्स में मैंने ये दोनों कलियाँ जोड़ ली हैं। यहाँ पे कली जुड़ गई हैं दोनों इस पार्ट्स में। तो ऐसे बन के रेडी हो गया है। ऐसे मोड़ लेना बीच से हमें। अब हम दूसरे में कलियाँ जोड़ेंगे, इसको साइड में रख देंगे। ये दो बची हमारी कलियाँ और दो मैंने जोड़ दी हैं उसमें। जैसे उसमें जोड़ा है उसी तरह इसमें भी जोड़ना है। इसको रखना है ऐसे और फिर एक कली हमें ऐसे रखनी है, एक कली इसके ऊपर ऐसे रखनी है साइड में उल्टा करके ये ऐसे, और फिर दूसरी कली हमें उल्टा करके इस साइड रखनी है और ऐसे। तो यहाँ पे इस पे सिलाई लगा लेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो इन्हें हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे दोनों कलियाँ बना ली हैं इस पार्ट्स में। मैंने दोनों कलियाँ जोड़ ली हैं इसमें। तो ये भी बन के रेडी हुई है और
एंगल के लिए हुए हैं, तो इसे आपको पहले पहले यहाँ से जोड़ लेनी है। तो इसको अब हम एक साइड में रख देंगे और अब बनाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट के लिए जो मैंने कपड़ा निकाला है, ये है मेरा बेल्ट का कपड़ा। तो इसमें आपको कपड़ा थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें 44 इंच की बेल्ट चाहिए, डबल करके हमें यहाँ पे लेना है 22 इंच। तो इसमें 3 इंच कम आ रहा है, तो कपड़ा हम जोड़ लेंगे यहाँ पे, ये कपड़ा हम जोड़ लेंगे इसके बराबर। इसको कट कर लेना है। तो अब हमारा बेल्ट का कपड़ा निकल आएगा। तो ये 22 हो गया, तो इसको हम यहाँ पे इसको रख के हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे दो दो सूत की सिलाई हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा जोड़ लिया है। अब हम नारा डालने वाला बनाएंगे, तो उसके लिए हमें 1 इंच कपड़ा फोल्ड करना होगा ऐसे। ऐसे निशान लगा लेना है और इसे बीच से फोल्ड करना है ऐसे। जो निशान लगाए हैं इसी निशान से हमें ऐसे फोल्ड करना है इसे, और फिर थोड़ा सा कपड़ा हमें अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। और फिर यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो पूरे में हमें ऐसे ही फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे आपको सीधी सिलाई लगा लेनी है और फिर उसके बाद में ऐसे हमें इसे डबल फोल्ड करके ऐसे बराबर से रखना है। और यहाँ पे हमें ऐसे आधा इंच की सिलाई लगानी है। तो ये आधा इंच की हमें सिलाई लगा के ऐसे इतना छोड़ के 1 इंच ऊपर, और ये आधा इंच की हमें सिलाई लगानी है। तो इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पे नेफा बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। और फिर यहाँ पे हमें लेनी ही म्यानी, ये म्यानी जो कट की थी वही अब हमें लगाना है। तो यहाँ पे दो कलियाँ तैयार हैं, तो सबसे पहले एक में हम एक को साइड में रख देंगे और एक में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें म्यानी लगानी है। ये सीधे तरफ है, ये सीधे तरफ है और ये उल्टे तरफ है। तो आपको सीधे तरफ से ऐसे रखना है म्यानी को ऐसे। तो यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हमें आधा आधा इंच की सिलाई लगानी है। तो इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने जोड़ ली है, तो ये म्यानी जोड़ के रेडी हो गई है। ये सीधे तरफ मैंने ऐसे लगाई है और इसमें भी ऐसे लगा लेना है। और अब क्या करना है, इसे ऐसे खोल के हम रखेंगे, ऐसे रखना खोल के। और फिर हमें दूसरी कली लेनी है, इसको उल्टा तरफ, ये सीधे तरफ है और इसको हम उल्टा रखेंगे ऐसे खोल के। और फिर इस म्यानी को हमें इसमें जोड़ना है, इस कोने से इसे पकड़ेंगे हम और यहाँ तक हमें ऐसे जोड़ के रखना है। तो इसमें भी हमें आधा आधा इंच की सिलाई लगानी है ऐसे। इसको ऐसे जोड़ लेंगे हम और फिर इसको ऐसे करके बराबर से, और इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे हम ऐसे।
इस कोने से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे, तो इस मैनी को हमें ऐसे जोड़ना है इसमें, और इसमें भी आधा इंच की सिलाई हमें लगानी है। तो ऐसे इस पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैनी जोड़ ली है और ऐसे बन के रेडी हो गया है। ऐसे हमें बराबर से मैनी को एक पास रखना है और ये चीज़ हमें ऐसे रखना है। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब हमें नेफा लेना है, जो मैंने बेल्ट तैयार की है उसको हमें ऐसे रखना है। ऐसे रखेंगे हम और इसको भी हम उल्टा कर लेंगे। और बराबर हमें सेंटर से रखना है ऐसे। सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर पे मैनी जोड़ेंगे। ऐसे हमें यहाँ पे एक टांका लगाना है और फिर इसके बैक साइड में हम टांका लगाएंगे। तो इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पे ऐसे जोड़ लिया है इस फ्रंट वाले को आगे की तरफ। मैंने यहाँ पे टांका लगा दिया है और यहाँ पे लगा दिया है। तो ऐसे बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो पीछे की तरफ है ये बेल्ट, उसमें हम यहाँ तक सेंटर तक सिलाई, जो यहाँ पे सेंटर का निशान लगाया साइड में, यहाँ तक हम प्लेन सिलेंगे। दोनों तरफ हमें प्लेन सिलना है और उसके बाद में जो कपड़ा बचेगा, ये इतना कपड़ा, उसकी हमें आगे की तरफ यहाँ पे प्लेटें बनानी है। तो पहले हम प्लेन सिलाई लगा लेते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ हम कोई भी प्लेट नहीं डालेंगे। तो यहाँ से हमें इतना सिलना है, कितने इंच, यहाँ पे हमें 6 इंच सिलना है प्लेन। बाकी की सारी प्लेटें हम डालेंगे जितना कपड़ा बचेगा। तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे नेफा जोड़ लिया है और ये पीछे की प्लेन सिलाई लगा ली है। और अब आगे का कपड़ा जो बचा है इतना, तो इसमें हम प्लेटें डालेंगे। तो इस साइड के प्लेटें हम डालना शुरू करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस तरफ प्लेटें डालेंगे। ऐसे हमें करना है और ऐसे सारी प्लेटें हमें बराबर से डालना है। यहाँ पे प्लेटें पड़ गई हैं और यहाँ पे मैंने सिलाई भी लगा ली ऊपर। अब हम बनाएंगे इसकी मोहरी। तो अब हमें मोहरी बनाना है। तो उसके लिए हमें इसको देखना है कितना क्या है, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे 2.5 इंच की एक पट्टी निकालनी है चौड़ाई में और इसके नाप की, और हमें इसके नाप का बकरम लेना है। तो सबसे पहले इस कपड़े को हम सीधे तरफ से यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे। तो इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पे मोहरी मैंने बना ली है कपड़ा लगा के, अंदर बुकरम डाल के, और इस पर मैंने सीधी सिलाई लगा दी है, सीधी सीधी सिलाई। ऐसे ही आपको मोहरी बनाना है। तो दोनों में रेडी हो गई हैं। अब ये सलवार हमारा कंप्लीट है। अब हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से हम बराबर से मोहरी पकड़ेंगे और पूरे में हमें 1/2 इंच की सिलाई लगानी है। इसको जोड़ के और यहाँ से मैनी मिला के पूरे में हमें 1/2 इंच की सिलाई लगा लेनी है। हम यहाँ से शुरू करेंगे और पूरे में हमें सिलाई लगानी है। इस साइड साइड में सिलाई लगा ली है और सलवार बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सलवार बन के रेडी हो गया है। आज के वीडियो में मैंने आपको सिंपल सलवार की सिलाई करना बताया है कि कैसे करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सलवार बनाना बताया है। तो ये कंप्लीट हो चुका है और ये बन के रेडी हो गया है। तो आपको भी ऐसे बनाना है, ऐसे बनाने की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली क्लास में। थैंक यू।